अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू माय चैनल फ़ायज़ा की दुनिया। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी चिकन सूप बनाने की रेसिपी। ये बहुत ही हेल्दी और डिलीशियस रेसिपी है। तो ऐसी ही आसान और मज़ेदार रेसिपीज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए देखते हैं चिकन सूप बनाने के लिए हमें क्या क्या इन्ग्रीडियंट्स चाहिए। तो यहाँ पर हमने 200 ग्राम हड्डी वाला चिकन लिया है। तो फ्रेंड्स, हड्डियों से जो स्टॉक निकलता है वो बहुत ही हेल्दी होता है। और 2 टीस्पून देसी घी लिया है हमने, 1/2 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून अदरक लहसुन पेस्ट, कोरिएंडर लीव्स लिया है, बादाम का पेस्ट लिया है 2 टेबल स्पून, और ये स्प्रिंग ऑनियन है, इसको हम गार्निशिंग में यूज़ करेंगे, 2-3 पिंच ग्रेटेड जायफल लिया है, 3 टेबल स्पून फाइन चॉप प्याज है, 2 टेबल स्पून शिमला मिर्च, 2 टेबल स्पून बीन्स, और 1 गाजर को हमने कद्दूकस कर लिया है, और 2 तेज़पत्ता लिया है, 6-7 दाने काली मिर्च के लिए हैं, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 2 छोटी इलायची, तो 4 लौंग लिया है यहाँ पर हमने। तो यहाँ पर कुकर को गर्म कर लिया है। अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं देसी घी। अब हम इसमें ऐड कर देते हैं खड़े मसाले जो हमने अभी आपको बताए थे इंग्रेडिएंट्स में। मसालों को कुछ सेकंड के लिए हम फ्राई कर लेंगे। ऐड कर देते हैं धुला हुआ चिकन। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून अदरक लहसुन पेस्ट। अब हम अदरक लहसुन और चिकन को उस वक्त तक फ्राई करेंगे जब तक कि ये गोल्डन ना हो जाए। तो चिकन को हमने फ्राई कर लिया है, ये तकरीबन 4-5 मिनट लगा है मुझे फ्राई करने में। तो फ्रेंड्स, चिकन को फ्राई करने से सूप का फ्लेवर बहुत अच्छा रहता है। ऐड कर रहे हैं 1 लीटर पानी। पानी की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से थोड़ा बहुत कम ज़्यादा कर सकते हैं। 1 टीस्पून नमक डाल देते हैं और 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर डाल देंगे। फ्रेंड्स, हल्दी हमारे सेहत के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। थोड़ा मिक्स कर देते हैं। अब हम कुकर का ढक्कन बंद करके 3-4 सीटी दिला लेंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम अपने किचन की खिड़की से आपको कुछ दिखा रहे हैं। देखिए, काफ़ी सुहाना मौसम है, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, तो काफ़ी ठंडा मौसम है, इसलिए हमने आज सूप बनाने का इरादा किया। तो आप भी इस बारिश के मौसम में सूप बनाएं और अपनी फैमिली के साथ इंजॉय करें। तो फ्रेंड्स, 5 सीटी हो चुकी है। अब हम गैस का फ्लेम हमने बंद कर दिया है और प्रेशर रिलीज़ होने तक हम वेट करेंगे। तो अब प्रेशर रिलीज़ हो चुका है, आइए हम चेक करते हैं। तो चिकन स्टॉक रेडी है, अब हम इसे स्ट्रेन कर लेते हैं। हमने इसे स्ट्रेन कर लिया है। अब हम चिकन को एक प्लेट में निकाल लेते हैं। अब हम फॉक की मदद से गोश्त को हड्डियों से अलग कर लेंगे। इस तरीके से आप इसको अपने हाथों से भी कर सकते हैं, जिस तरीके से चाहें करें। एक करके सारे पीसेस को अलग कर लेंगे हड्डियों से। पर गैस का फ्लेम हमने ऑन कर दिया है। अब हम स्टॉक में ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून शिमला मिर्च बारीक कटी हुई, स्प्रिंग ऑनियन का वाइट पार्ट ये भी 2-3 टेबल स्पून है, 2 टीस्पून बीन्स, और 1 गाजर है, इसको हमने कद्दूकस कर लिया है, ये भी ऐड कर देते हैं, और 1 टीस्पून ग्रेटेड जिंजर है। सॉरी, इंग्रेडिएंट्स में जिंजर बताना मैं भूल गई थी, तो इसको भी हम ऐड कर देते हैं। अब हम इसमें ऐड कर देंगे ग्रेट किया हुआ जायफल, थोड़ा मिक्स कर देंगे, ढक्कन बंद कर देंगे और सब्जियों को स्टॉक के साथ 5-6 मिनट तक लो फ्लेम पर पकने के लिए छोड़ देते हैं। तो लो फ्लेम पर सब्जियों को 6-7 मिनट तक पका लिया है। अब हम ऐड कर देते हैं इस ग्रेटेड चिकन, काली मिर्च पाउडर ऐड कर देंगे, थोड़ा सा स्प्रिंग ऑनियन भी ऐड कर देंगे, और सूप को थोड़ा थिक करने के लिए हम इसमें ऐड कर रहे हैं 2 टीस्पून कॉर्नफ्लोर। कॉर्नफ्लोर को हमने ठंडे पानी में घोल लिया था, अब हम इसमें ऐड कर देते हैं। कॉर्नफ्लोर डालने के बाद इसको 1 मिनट तक हम पका लेंगे ताकि इसमें कोई लम्स ना बने। तो थोड़ा और टेस्टी बनाने के लिए इसमें हम ऐड कर देते हैं 1/2 टीस्पून सोया सॉस। अब हम इसमें ऐड कर देते हैं भीगे हुए बादाम का पेस्ट। अब हम सभी चीज़ों को 2 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर पकने के लिए छोड़ देते हैं। तो 2 मिनट हमने इसको पका लिया है, तो हमारा हेल्दी और डिलीशियस चिकन सूप रेडी है। अब हम इसको सर्व करते हैं।
तो अब हम इसमें ऐड कर देते हैं कोरिएंडर लीव्स और साथ ही में हम ऐड कर देंगे 2 टेबल स्पून लेमन जूस। तो अब हम डिश आउट कर लेंगे। रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, फैमिली एंड फ्रेंड्स को शेयर करें और आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं अगली रेसिपी में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। टेक केयर, गुड बाय।